हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। कोई समस्या है जिन्हें हम अपनी जिंदगी से दूर भगाना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, या अपना वजन कम करना चाहते हैं, या फिर कोई पुरानी आदत है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, या फिर कोई काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन कई बार दिन पर दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, यहां तक कि कई सालों बीत जाते हैं। बहुत आसान होता है निराश हो जाना और कह देना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हम सब अपनी जिंदगी में असफलताओं से, निराशों से, दर्द से गुजरे हुए हैं। पर दर्द तो जिंदगी का एक हिस्सा है। दर्द हम में बदलाव लाता है। ये दर्द, ये परेशानियां हमको कभी वैसा रहने नहीं देती जैसा कि हम पहले थे। और हर दर्द भरा समय आपको विकास की ओर लेके जाता है। आप में कुछ आदतें विकसित होती हैं, और जब आप समस्याओं से बाहर निकलते हैं तो आप पूरी तरह से एक अलग इंसान होते हो। अब बात यह है कि यह दर्द आपको किस तरीके से बदलेगा, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अगर आप एक हारे हुए इंसान की तरह अपने सपनों को छोड़ देते हो, या फिर एक नई आग, नई तैयारी के साथ नए अवसर को तलाश करने के लिए उत्साहित होते हो, यह सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अपनी जिंदगी में दर्द के बारे में शिकायत करना बंद कर दो, क्योंकि बिना दर्द के आप अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। और अपनी जिंदगी में हर एक इंसान किसी न किसी मोड़ पर दर्द को अनुभव करता है, और आपको इस दर्द को ही अपनी ताकत बनाना होगा और इस दर्द से निखर कर बाहर निकलना होगा। आपको इस दर्द का सिर्फ सामना ही नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर हर समस्या से, हर दर्द से गुजरने का, उससे कुछ सीखने का जज्बा पैदा करना होगा। देखो, कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा है, यह आपकी जिंदगी में है और हमेशा रहेगी। तो खुद से यह कहना बंद करो कि मैं अब और समस्या का सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो सकता, दर्द नहीं सह सकता। आप कमजोर तो नहीं हो, आप बहुत मजबूत हो, सिर्फ इसलिए कि कुछ चीजें अभी नहीं हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये चीजें कभी होगी नहीं। ये नहीं मैटर करता कि आपने अपने सपनों को पाने की कोशिश कब की। हो सकता है साल पहले या 30 साल पहले, अगर आज भी उस चीज के बारे में सोचते हो तो मतलब कि आज भी वो सपना आपके मन में जिंदा है। इसका मतलब है कि आपको अभी आपकी मंजिल नहीं मिली है। कोशिश करो, तब तक करते रहो जब तक कि आपके सपने आपके ना बन जाए। ये आपका समय है, आपका मोमेंट है, आपका क्षण है। सोच लो कि ये मेरा समय है अपने सपनों को पूरा करने का, यह मेरा समय है अपने करियर में आगे बढ़ने का, यह मेरा समय है अपने मां बाप का नाम रोशन करने का, यह मेरा समय है अपनी मंजिल में आगे बढ़ने का। तो बस अपने दिमाग को अब डालो सही रास्ते पर, और बस अब रुकना मत जब तक आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।